पंचायत समिति बहरोड़ में विधायक बलजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें विधायक ने बताया कि 26 सितंबर की रिट की परीक्षा है, जिसमें बिहार में करीब 11,000 अभ्यर्थी बहरोड़ में बने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जिनके साथ परिजन भी आ सकते हैं। पुरुष व महिला अभ्यर्थी परिजनों के लिए रहने खाने की व्यवस्था जगह जगह की गई, चौराहे पर ही कंट्रोल रूम बनाया है, किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को लाने ले जाने के लिए 250 बसों की व्यवस्था की गई, जिसके लिए स्टेडियम को स्थायी बस स्टैंड व पार्किंग स्थल बनाया गया। बिजली कटौती को लेकर विभाग को निर्देश दिए गए, फिर भी अगर किसी कारणवश बिजली कट जाती है उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई, ताकि अभ्यर्थी को ठहरने के दिन व रात्रि को पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगी। 26 तारीख को स्टेशनरी मेडिकल व अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण बाजार बंद रहेगा, क्योंकि जाम की समस्या पैदा नहीं हो। 26 व 25 तारीख को सड़क किनारे लगने वाली फल सब्जियों की रेहड़ियां नहीं लगाई जाएंगी। अगर कोई किसी प्रकार की अफवाह फैलाए उसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस दौरान विधायक ने प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिए। 2 बजे भी आएगा, मोबाइल नंबर हमने दिए, मोबाइल चालू रहेगा, तो जो भी जानकारी लेगा वो जानकारी उसको मिलेगी। खाने के लिए रात को 2 बजे भी आएगा, 3 बजे भी आएगा, कभी 1 बजे भी आएगा, कभी भी आएगा, तो बेझिझक वो आए। हमारे पास 24 घंटे हम खाने की व्यवस्था रखेंगे, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उन सबको भगवान सफलता दे, सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, और हमारे यहाँ से सब लोग संतुष्ट होके जाएँ। हमारे यहाँ यही मैं कामना करता हूँ, और आपस में प्रेम बना रहे। दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो ऐसी अफवाह कोई भी फैलाए कोई किसी तरह की, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए।